हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इजी पेपर प्लेन, जो कि आप इजीली अपने आप से बना सकते हैं और वो भी अपनी नोटबुक के पेपर से। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे एक नोटबुक का पेपर लेंगे। तो दोस्तों ये पहला जो टॉय हम बनाने जा रहे हैं फ्लाइंग टॉय पेपर प्लेन, ये दोस्तों सबसे ही ज़्यादा आसान है, शायद आप लोगों ने ऐसा बनाया हो। और दोस्तों इस तरह से हम इसको ऊपर की ओर फोल्ड करेंगे, दोनों कॉर्नर जो होते हैं इसके आपस में इनको मिलाकर कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे। और फोल्ड करने के बाद में एक बार हम इसको और फोल्ड करेंगे कुछ इस तरह से, और ऐसा करने के बाद में हमें ये जो कॉर्नर हैं एक बार और इस तरह फोल्ड करने हैं, और इसके बीच में थोड़ा सा गैप होना ज़रूरी है, और नीचे के साइड में थोड़ा सा पेपर जो छूटना ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको जो छोड़ देना है, और ये वाला ये जो कॉर्नर नीचे की ओर ये है इसको हमें ऊपर पलटा देना है कुछ इस तरह से, और अब पेपर प्लेन को जो है इस तरह से उल्टा करके फिर से फोल्ड करना है बीचों बीच से, और ये बिल्कुल बराबर फोल्ड होना चाहिए दोस्तों। और इस तरह से फोल्ड होने के बाद में आपको और भी इसके जो विंग्स होते हैं पर वो बना देने हैं। तो पर बनाने के लिए इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे और ऐसे ही दूसरी तरफ से फोल्ड करेंगे। तो देखा दोस्तों आपने ये कितना ही ज़्यादा आसान प्लेन है, और आपका ये पेपर टॉय बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है उड़ने के लिए। दोस्तों इसकी फ्लाइंग टेस्ट हम वीडियो के लास्ट में दिखाएंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों यहाँ पे जो दूसरा टॉय हम बनाने वाले हैं वो थोड़ा सा जो है ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो ये दूसरा पेपर टॉय हम बनाएंगे वो भी नोटबुक के पेपर से। तो दूसरा हम पेपर ले लेते हैं, यहाँ पे आपको एक ही पेज की ज़रूरत होगी। दोस्तों ये हम बैट पेपर पेपर प्लेन बना रहे हैं, जो कि एक चिड़िया की तरह उड़ेगा, जैसे कि चमगादड़ उड़ता है या चिड़िया उड़ती है उसी तरह से ये उड़ेगा अपने पंख फैला फैला कर। और इसको दोस्तों कुछ इस तरह से आपको हाफ फोल्ड करना है बिल्कुल बीचों बीच से, और इस तरह से खोलने के बाद में और जो हाफ का हाफ हमें करना है दोनों साइड से। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने कुछ इस तरह से किया है, आपको भी ऐसे ही कर लेना है। ऐसा करने के बाद में आपको इस तरह से W या M की शेप में अपने पेपर को लाना है फोल्ड करने के बाद में। और ये जो कॉर्नर है इसको हम पूरा इस तरह से नीचे की ओर झुका देंगे और फोल्ड कर देंगे, और ऐसे ही हम दूसरी साइड में करेंगे। और हमें दोस्तों एक ही साइड में फोल्ड करना है दोनों पेपर, और ये जो हमारे इस तरफ साइड में पेपर बचा हुआ है इसको हम नीचे की ओर झुका देंगे, नीचे झुकाने के बाद में फोल्ड कर देंगे, और ऐसे ही दूसरी साइड में करेंगे सेम प्रोसेस। और उसके बाद में हम इसको खोल लेंगे, ये कुछ हमारे इस तरह से निकल के आ जाएगा, और फिर इसको हमें पलटाना है, और पलटाने के बाद में ऊपर का हिस्सा हमें नीचे की ओर इस तरह से फोल्ड करना है, और इसके ऊपर के जो ये दोनों कॉर्नर हैं इनको थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड करना है कुछ इस तरह से, और आप ज़्यादा फोल्ड मत कीजिएगा। और ये जो हमारा बड़ा वाला हिस्सा है उसको वापस से ऊपर कर देंगे, और ऊपर करने के बाद में इसको हम सीधा कर लेंगे, और ये जो ऊपर कोना बचा हुआ है इसको अंदर की ओर फोल्ड कर देंगे कुछ इस तरह से। और ये फोल्ड करने के बाद में इसको हम उठाकर पीछे पलटाएंगे, और इसको हम इस तरह फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद में ऐसे, और इसके अब विंग्स हमें बनाने हैं कुछ इस तरह से, ऐसे ही दोस्तों ये साइड में भी हमें बनाने हैं। तो यहाँ पर ये दोस्तों हमारा ये जो पेपर बैट प्लेन या बर्ड प्लेन बनकर बिल्कुल तैयार है, जो कि एक चिड़िया की तरह उड़ेगा। तो चलिए जल्दी से आपको दिखा देते हैं इन दोनों प्लेन का फ्लाइंग टेस्ट, जो कि हमारे पेपर टॉय फ्लाइंग है। तो ये रहा हमारा ये जो पहला प्लेन, आप देख सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा दूर गया है और बहुत ही अच्छे से उड़ रहा है। और यहाँ पे अब दिखाते हैं अपना दूसरा जो चिड़िया की तरह उड़ेगा। दोस्तों इसमें आपको एक काम करना होता है, थोड़ा सा इसके जो ये पीछे के हिस्से हैं आपको थोड़ा थोड़ा सा उठा देना होगा कुछ इस तरह। आप नहीं उठाएंगे तब भी उड़ेगा, लेकिन अगर आप इस तरह से कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा उड़ता है। और इस तरह से सिंपली हमें फेंक देना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक बर्ड की तरह, जिस तरह एक चिड़िया अपने पंख फैला फैला कर उड़ती है, ये भी प्लेन वैसे ही उड़ता है।
तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और उसे शेयर करते हैं, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी हैं जिससे कि आप कुछ नया सीख सकते हैं, तो एक बार हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर चेक कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं तब तक के लिए किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। नमस्कार, जय हिंद।